स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन PMS ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 अवयव मैट्रिक्स। 1857 में ऑर्थो केली जब समीकरण का हल ज्ञात करने का प्रयास कर रहे थे तभी अवयव सिद्धांत की जानकारी हुई। समान राशियों को और समान संख्याओं को एक आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास में रख के उनका अध्ययन करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी मैट्रिक्स को एक आयताकार बॉक्स में इस प्रकार से संख्याएं को लिख देने से और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो ये लाइन कहलाती हैं उसे हम रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, रो वन कहते हैं, और दूसरी ये होती हैं वो आपकी रो टू कहलाती हैं, आर टू दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार से ये जो इसको हम कॉलम कहते हैं यानी स्तंभ, कॉलम सी वन, और इसको हम कहते हैं सी टू, कॉलम टू। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से किसी विन्यास में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें कितनी भी पंक्तियाँ हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा देखिए, समान राशियाँ व संख्याओं को उस व्यवस्था क्रम को अवयव कहते हैं जिनमें इन्हें पंक्ति व स्तंभ के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। ये राशियाँ या संख्याएं वास्तविक या सम्मिश्र हो सकती हैं। अब देखिए, इनको व्यक्त करने के लिए एक कोष्टक में लिख सकते हैं ऐसे, या आयताकार कोष्टक बड़ा बना सकते हैं, या डिटर्मिनेंट साइन से भी शो कर सकते हैं। इन 3 प्रकार के साइनों में से किसी भी मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं। और इन मैट्रिक्स को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ए का यूज़ करते हैं। A इक्वल टू 3, 4, 2, 4, इस प्रकार से मैट्रिक्स को व्यक्त किया जाता है। A इक्वल टू, ये जो व्यवस्था है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इसके जो एलिमेंट कहलाते हैं, ये जो आपके पहला एलिमेंट A11, ये A12 होता है, और ये दूसरा A21 और A22 होता है। A11 मीन फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, एंड A12 मीन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम एंड बट फर्स्ट रो, ये आपके सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम एंड सेकेंड रो। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को हम व्यक्त करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति तथा स्तंभों के संख्याओं के गुणनफल को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैंने 2 पंक्तियां बनाई हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और कॉलम मैंने बनाया 3, तो इसको इसका ऑर्डर रहेगा आपकी 2 × 3। इसमें जो फर्स्ट हम पंक्ति को लिखते हैं और सेकंड में हम स्तंभ लिखते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी मैट्रिक्स हम और शो करते हैं कोई भी, तो इसमें मैंने 2 पंक्तियां और 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ बनाए, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 3 × 2 का रहेगा। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उसका ऑर्डर m × n होता है,
और इस संपूर्ण व्यवस्था को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसके ऑर्डर को m इंटू एन लिखते हैं। m पहले पंक्ति को शो करता है और n इनके स्तंभों को शो करता है। आगे हम इनके टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आता है वो पंक्ति मैट्रिक्स आता है, रो मैट्रिक्स, जिसमें ओनली फॉर एक ही रो होती हैं और कॉलम इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें आपकी एक पंक्ति है और स्तंभ है ना, कॉलम है वो तीन है, तो ये 1×3 कॉलम का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें आप देख रहे हो इसमें भी एक आपकी रो है और कॉलम इसके 5 है, तो इसको 1×5 ऑर्डर का एक पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है इस और रो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है, यानी 3×1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से इसमें ये एक कॉलम है और रो इसमें 5 हैं, तो रो पहले लिखा जाता है और कॉलम बाद में लिखा जाता है, तो ये 5×1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। आगे हम चर्चा करेंगे शून्य अव्यय यानी जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स में इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर शून्य हो तो उस मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके 3×4 ऑर्डर का शून्य मैट्रिक्स है और ये आपके 2×2 का शून्य मैट्रिक्स है। अब आगे इसकी बात करते हैं वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती हैं तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आपकी दो ही पंक्ति और दो ही स्तंभ हैं, तो 2×2 का ये वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें आपकी दो पंक्ति, तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हैं, तो इसे 3×3 का वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। इस प्रकार से इसमें n×n का ये ऑर्डर का वर्ग मैट्रिक्स है। फिर बात करेंगे विकर्ण मैट्रिक्स की। विकर्ण मैट्रिक्स में सबसे पहले हम एक कोई भी एक, ये मैंने लिया है वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मैंने 3×3 ऑर्डर लिया है, तो इसके ये जो अवयव होते हैं ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। और मुख्य विकर्ण तो किसी भी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में जैसे इस मैट्रिक्स में इसका मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव शून्य हो, इसमें भी आपके मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव शून्य हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसने मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे अवयव जीरो हो, ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में हम बात करते हैं अदिश अवयव। अदिश मैट्रिक्स में सारे के सारे मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं, जैसे आपके इसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 3 हैं, -3 है, और इसमें आपके सारे के सारे अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 5 हैं। तो किसी भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान हो उन्हें हम अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण एक हो तो उन्हें हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे अवयव शून्य होना चाहिए, ये आपकी 2×2 का इकाई मैट्रिक्स है, ये 3×3 का इकाई मैट्रिक्स है। फिर आगे हम बात करते हैं त्रिभुजाकार अवयव ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव को छोड़ के नीचे के सारे शून्य होते हैं, और इसी प्रकार से आप इसमें भी देख रहे हो ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य नहीं है, नीचे के शून्य हैं, ये अपर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के
नीचे के अवयव को छोड़ के ऊपर के सारे अवयव शून्य होते हैं, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे अवयव की प्रॉपर्टी के बारे में, जो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनकी हम बात करेंगे। सो आज के लिए काफ़ी।